Welcome to DigiPortech. Please subscribe and press the bell icon. Samsung Galaxy S11 सीरीज पे आपको 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा लेंस देखने को मिल सकता है और Galaxy S11 Plus पे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर आपको मिलेगा जो कि ब्राइट HMX108 वाला कस्टम कैमरा सेंसर रहेगा। इसका जो बेयर लेंस कैमरा कैपेसिटी रहेगा वो रहेगा 9:1। इट मींस आपको 108 को डिवाइड बाय 9 करना है तब जो आपको नंबर आएगा वो आपको एक्चुअल आउटपुट मिलेगा, यानी कि 12 मेगापिक्सल आउटपुट। ओप्पो रेनो 3 प्रो को ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पॉट किया गया है। इसके अकॉर्डिंग इसमें यह पता चला है कि रैम और स्टोरेज और कलर वेरिएंट आप देख सकते हैं, 3 कलर देखने को मिल सकते हैं इसमें। और सबसे टॉप एंड वेरिएंट जो रहेगा वो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ आएगा और ये फोन 26 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। जियो यूजर, अगर आप अभी भी पुराना जियो प्लान रिचार्ज करना चाहते हैं नया रिचार्ज प्लान बढ़ने के बाद भी, तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको जियो का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आप वहां पर से जाके पुराने प्लान्स को रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही 399 आपको 84 डेज वाला प्लान मिल जाएगा, बट 10-20 का आपको IUC मिनट के लिए अलग से टॉपअप करना पड़ेगा। Realme X50 का जो एक 5G वेरिएंट आने वाला है उसकी कुछ हीट कूलिंग का डिजाइन सामने आया है और हीट कूलिंग का सैंपल आया है। इसमें आपको 8 mm का अल्ट्रा लार्ज साइज का लिक्विड कूल कॉपर ट्यूब मिलेगा जो कि 5D कूलिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। एप्पल का सीरी जो है मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल असिस्टेंट है। अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये निकल के आया है कि 35% मार्केट शेयर सीरी का है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना 22% मार्केट शेयर के साथ। थर्ड में आता है एमेजॉन 9% मार्केट सॉरी थर्ड में आता है गूगल का असिस्टेंट 9% मार्केट शेयर के साथ और फोर्थ पे आता है एमेजॉन 4% मार्केट शेयर के साथ। तो ये रिपोर्ट जिसने बनाया है मुझे ये समझ में नहीं आया है कि 100% तो हुआ नहीं, तो बाकी के परसेंटेज में कौन से कंपनी का सर्च इंजन यूज हो रहा है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने फ्री वाईफाई लॉन्च कर दिया है दिल्ली सर्कल के लिए, बट लिमिटेड लोकेशन के लिए, क्योंकि अभी एयरटेल, आइडिया और वोडा इन तीनों कंपनी का दिल्ली के NCR के कुछ स्पॉटेड रीजन पे अभी इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के कहे अनुसार। IBM ने एक नया बैटरी डिजाइन किया है जो पानी के यानी कि सी वाटर के अल्टरनेटिव मिनरल सोर्सेस से वो बैटरी को चार्ज करेगा। हुआवे मेट एक्स के डिजाइन में कुछ काफी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि सैमसंग का फोल्डेबल फोन जल्द ही लॉन्च होने के चक्कर पे फ्लॉप हुआ, फिर सैमसंग ने उसे रिकॉल करके नया डिजाइन बनाया। अब सैमसंग का जो फोल्डेबल फोन का जो पार्ट टू आएगा यानी कि सेकेंड जनरेशन जो आएगा उसमें क्लैम सील डिजाइन रहेगा जो कॉन्सेप्ट डिजाइन लिया गया है मोटोरोला रिजर्व से। उसी तरीके से मेट एक्स भी काफी टाइम से चर्चे पे है पिछले कई सालों से, लेकिन इसमें भी कुछ इश्यूज सामने आए थे इसलिए इसके भी डिजाइन को रीडिजाइन किया गया है, इसके कंस्ट्रक्शन को। अब इसे MWC 2020 पे लॉन्च किया जाएगा। ओप्पो का A91 को भी स्पॉट किया गया है गिग बेंच पे। इसमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एम्बलॉयड वाला डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर कलर OS 6.2 रहेगा। OTA अपडेट के थ्रू इसमें आपको एंड्रॉइड 10 और कलर OS 7 मिलेगा और ये दो कलर पे लॉन्च हो सकता है और कुछ ग्रेडियंट फिनिश वाले टू टोन डिजाइन पे भी ये लॉन्च हो सकता है। YouTube म्यूजिक पे अब आपको 3 नए पर्सनलाइज्ड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि डिस्कवरी मिक्स, न्यू रिलीज और योर म्यूजिक मिक्स। और इसमें एक एक कैटेगरी के अंदर आपको 50 म्यूजिक ट्रैक्स को शॉर्टलिस्ट करके दिया जाएगा। वीवो का क्रिसमस सेल आ चुका है, 18 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक ये सेल चलेगा। अगर आप वीवो फोन पे इंटरेस्टेड हैं तो ये सेल आपको 3 जगह देखने को मिलेगा, पहला Amazon, दूसरा Flipkart और तीसरा vivo.com यानी कि वीवो के ऑफिशियल इंडिया पेज पे। आप तीनों जगह पे जा सकते हैं, आपको जहां से परचेस करना है इसमें आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक के तरफ से 5% का कैशबैक मिलेगा, आइदर आप EMI परचेस करें और क्रेडिट कार्ड लगाएंगे तब, और बजाज फाइनेंस से आपको नो कॉस्ट EMI का भी फैसिलिटी मिल जाएगा। Amazon का भी है मंथ एंड सेल या फिर ईयर एंड सेल, आप जो भी बोले वो लॉन्च हो चुका है।
ये 19 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक चलेगा। इसमें आपको काफी सारे फोन्स अलग अलग ब्रांड के तरफ से डिस्काउंट पे दिए जाएंगे। HDFC के तरफ से भी इंस्टेंट डिस्काउंट है, एक्सिस बैंक के तरफ से है और बजाज फाइनेंस के तरफ से नो कॉस्ट EMI है। मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा अगर आपका फोन टूट गया है, डैमेज हो गया है या बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया है जिसे आपको यूज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप नया फोन परचेज कीजिए। अदरवाइज इस लालच में ना आए, क्योंकि दिसंबर महीने में ही पूरे 5G फोन लॉन्च होने वाले हैं अपने कंट्रीज पे। अपने कंट्रीज में इन द सेंस जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने कंट्री पे 5G फोन लॉन्च कर देंगे और जनवरी फरवरी तक इंडियन मार्केट में सभी ब्रांड के तरफ से आपको 5G फोन मिलने चालू हो जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस सेल पे लालच ना करें। अगर आपका फोन अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल चलाइए, नया परचेस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो सेल का नहीं बनाया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मार्च एंड वाला सेल का वेट कीजिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा इंडियन गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जब 1 अप्रैल से नया साल लगेगा 2020 का, उसके पहले जो मार्च का जो लास्ट वीक रहेगा, आपको अगर एग्जांपल बता दूं तो होली सेल आप मान के चलिए, या फिर मार्च महीने का जो एंड ऑफ सेल आएगा, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल, उस सेल में आप फोन परचेस कीजिएगा। उस सेल पे आपको हैवीली डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, उस सेल तक आपको डेफिनेटली 5G डिवाइसेस इंडियन मार्केट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो कृपया करके वेट करें 1 से 2 महीने का। ओप्पो रेनो 3 के कुछ लाइव इमेज सामने आए हैं। फ्रंट पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है और रियर डिजाइन जो है वो बिल्कुल याद दिला रहा है रेडमी के K20 सीरीज का, यानी कि K20 K20 प्रो का फायर फ्लेम डिजाइन आपको दिख रहा है पीछे। अब देखना ये होगा ये फेक है कि एक्चुअल में रेडमी के K20 प्रो को मॉडिफाई करके इमेज कस्टम बनाया गया है। इस फोन में आपको मिल सकता है 8GB का रैम, 128GB की स्टोरेज, एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, 5G फोन रहेगा ये और 26 दिसंबर को लॉन्च हो सकता है। Huawei का P स्मार्ट प्रो वाला जो एक फोन है वो लॉन्च हो चुका है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, पॉपअप सेल्फी कैमरा डिजाइन के साथ, और इसकी इंडियन रूपीज कन्वर्सन के बाद निकल के आई है 25,906GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ। Xiaomi का भी सेल आ चुका है, क्रिसमस सेल बोले या आप ईयर एंड सेल बोले, 19 से लेके 25 दिसंबर तक। अगेन मैं वही वर्ड यूज करूंगा जो अभी मैंने अभी लास्ट टाइम में बताया है Amazon वाले पे। अगर आपको इंस्टेंट जरूरत है तभी आप परचेस कीजिए, अदरवाइज 1 से 2 महीना आप रुकिए, डायरेक्ट 5G फोन लीजिए। और मार्च एंड जो होली सेल रहेगा, मार्च इंडिया का गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग सेल रहेगा, उस सेल पे आपको ज्यादा बेहतर बेनिफिट्स और ऑफर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, उस समय परचेस कीजिए। Redmi का Note 7 Pro और Note 7 S, ये जो 3 फोन में से अगर आप कोई भी फोन यूजर हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आपको दिसंबर महीने के लास्ट वीक तक ही इसमें Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट मिल सकता है MIUI 11 के ऊपर। Redmi 9 का भी लीक आया है, इसके अकॉर्डिंग इस लीक के अकॉर्डिंग इसमें आपको Helio का G70 SoC मिल सकता है और Q1 2020 पे ये फोन लॉन्च हो सकता है। 6.6 इंच का इस पे डिस्प्ले रहेगा, वाटर ड्रॉप डिजाइन, और बेस वेरिएंट इसका रहेगा 4GB 64GB वाला। Huawei का P40 सीरीज का भी कुछ लीक रेंडर सामने आया है कि आप देख सकते हैं पीछे कैमरा बंप कैसा रहेगा, फ्रंट डिजाइन कैसा है, ये कुछ नए डिजाइन सामने आए हैं। इसमें 3.5mm जैक तो नहीं दिख रहा है इस डिजाइन से, और 6.1 इंच और 6.2 इंच का 2 डिस्प्ले आ सकता है इस पे। जियो सावन अगर आपका फेवरेट MP3 ऐप है तो अब आप इसका मजा टीवी पे भी ले सकते हैं, इन द सेंस एंड्रॉइड टीवी पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये Amazon फायर टीवी स्टिक पे आ चुका है 45 मिलियन सॉन्ग कलेक्शन के साथ, बट जल्द ही ये ओवरऑल OTA अपडेट के थ्रू रोल आउट हो जाएगा गूगल के ऑफिशियल प्ले स्टोर पे, जिसकी मदद से अगर आप कोई भी ब्रांड का एंड्रॉइड टीवी यूज कर रहे हैं तो आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। सोनी एक्सपीरिया के का जो अपकमिंग मिड रेंज फोन आने वाला है उसमें स्नैपड्रैगन का 765 वाला 5G फोन प्रोसेसर आपको मिलेगा, क्योंकि स्पॉट कर लिया गया है कुछ Geekbench स्कोर्स पे और इसका कोड नेम निकल के आया है K8220। Huawei का जो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन है जिसका नाम है EMUI, यानी कि इमोशन UI 10,
इसका जो एंड्रॉयड 10 के ऊपर स्टेबल अपडेट रोल आउट होना चालू हो चुका है। अभी तो खैर फिलहाल ये फ्लैगशिप फोन के लिए अवेलेबल है हुआवे और ऑनर के डिवाइसेस के लिए, बट आपको फुल फ्लैश जनवरी फरवरी तक आपके सभी फोन्स को ये कंप्लीट पैकेज कर दिया जाएगा। हुआवे ने ये कंफर्म कहा है कि फरवरी एंड तक हुआवे के मोस्ट प्रोबेबली जो फोन ये अपडेट के लिए कैपेबल हैं उनको पूरी तरह से ओटी अपडेट कर दिया जाएगा। ओप्पो A91 और ओप्पो का A8 को लीक पे स्पॉट किया गया है। आप इसके द्वारा देख सकते हैं कि इसमें 3 कलर वेरिएंट है, फ्रंट डिजाइन कैसा है, कुछ फीचर्स भी हाईलाइट स्पॉट में दिखे गए हैं जैसे कि 48 मेगापिक्सल कैमरा, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, बुक चार्ज 3, 6.5 इंच का डिस्प्ले, 4230 mAh की बैटरी। अब ये जब लॉन्च होगा तब आपको एग्जैक्ट डिटेल आपको मिल जाएंगे। सैमसंग ने ये डिसाइड किया है कि वो माइक्रो एलईडी पे अपना बल्क इन्वेस्टमेंट को कम करने वाले हैं, यानी कि कट डाउन करने वाले हैं, और ये शायद MWC 2020 से ही ये डिसीजन हो सकता है कंफर्म। जैसे कि सैमसंग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था द वॉल सीरीज, जो कि काफी एक्सपेंसिव सैमसंग के प्रोडक्ट का आज तक का सबसे महंगा प्रोडक्ट था टीवी सीरीज सेगमेंट पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।